ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, माँ लक्ष्मी के बिना मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति सुख समृद्धि और धन की ओर अग्रसर हो सकता है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए हमें ऐसे 5 गुप्त उपाय करना है जिन उपायों से बहुत जल्द और बहुत कम समय में किसी भी व्यक्ति को फ़ायदा मिलता है। ये गुप्त उपाय आज तक आपको कभी भी किसी ने नहीं बताए होंगे, लेकिन ये उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। और अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान बता दें और अपनी कुंडली के बारे में जो प्रश्न हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। उसका फीस, उसका शुल्क लागू है। दोस्तों, सबसे पहला गुप्त उपाय है कि आपको काले कपड़े में खड़ा नमक, खड़ा कोयला बांध कर किसी भी नदी में जो आपके घर के पास हो, उस नदी में प्रवाहित करना है, मतलब दान करना है, छोड़ देना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, घर आ जाना है। ऐसा सिर्फ एक बार ही करना है। इसको करने से कुंडली के जितने सारे नेगेटिव दोष हैं, उन दोषों की शांति का उपाय और हल होगा। तो ये उपाय आप जल्द से जल्द कर लें। दूसरा उपाय है कि मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र जाप आपको करना होगा, मन में, बिना बताए किसी को। एक बार दो बार से काम नहीं चलेगा, कम से कम रोज़ 108 बार करना ही होगा। दूसरा उपाय है कि जब कभी भी आप किसी मंदिर पे जाएं या कहीं देव दर्शन करने जाएं, तालाब जाएं, तो मछलियों को भोजन और पशु पक्षियों के लिए भोजन अनाज ज़रूर दें। उसको देने से आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहेगी। चौथा उपाय है कि अपने घर में महिलाओं का विशेष सम्मान करें। महिलाओं के सम्मान से माँ लक्ष्मी सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती है। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, गुरु मंत्र का जप। गुरु मंत्र लें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। अगर नहीं है तो ओम नमः शिवाय का जप करें, आपको फ़ायदा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। ओम नमः।